हाँ जी, वेलकम बैक टू राम नॉल्क यूट्यूब चैनल। सो अज आप चले जी पांचवा ब्लॉग बना। ब्लॉग अपना होएगा जी गुरुद्वारा साहब के संबंधित। सुख नाल अज वैदर भी बहुत सोहना सी, बहुत ही वधिया सी। जी सत श्री अकाल जी, की हाल चाल, होर कैम हो सारे? उम्मीद करदा सारे कैम होवोगे। अज आप थानू लेके आए जी गुरद्वारा साहब मैदियाणा साहब जी, जो कि पंजाब विच पिंड माणूके दे नाल ही नज़दीक पैंदा जी। सो अज आप थानू करावां गुरद्वारा साहब दर्शन। बहुत सोहनी इमारत बनी है गुरद्वारा साहब जी, तो इतिहास नाल संबंधित कलाकृतियां कीतियां गईयां ने जी इत्थे, वह भी थानू आपां नाल नाल दिखावांगे। जुड़े रहो ब्लॉग नाल ते चैनल नू कर दे जरूर सबसक्राइब जी। सो आप थानू कराउणे आ दर्शन, आओ जी। हाँ जी साध संगत जी, इस स्थान चरण छो प्राप्त है जी दसवें पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। हाँ जी संगत जी, जे आप इतिहास की गल करिए गुरु साहब एक मैदियाणा एक ढाब होंगी सी, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मुगल राज समय रैकड़ लम्बे जटपुरे पिंड माणूके संगत निहाल करते हुए इतने ढाब मैदियाणा आ पहुँचे। इस ढाब का पवित्र जल देख के इतने ठहरे। दो तीन मील तक कोई वसो नहीं सी। इस ढाब उपर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंघां दातन कुरला करके इशनान किया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अंतर ध्यान हो के निरंकार नाल बेनती जोड़ी, भाणा मिठा करके मनिया। भाई दया सिंह ने पिता गुरदेव नूं बेनती की कि महाराज कि सारा परिवार पिछड़ गया है, अगे का की विचार है। पापी औरंगजेब का शब्द नाल ही उधार करो। गुरु साहब ने सीने नाल तेग ला के कहा, भाई दया मैं हुण सिंघां दा करजा उतार के सुरखरू हो गया। गुरु साहब जी ने निम्रता सहित कहण लगे, सिंह अते शेर एक ही जंगल दे बादशाह हुंदे हन। सिंघो निरंकार ते भरोसा रखो। भाई दया सिंह ने संगतां दे रूप विच पातशाह गुरदेव नूं फिर बेनती की। पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी निम्रता सहित बोले, संगत गुरु नालों वड्डी है अते साध संगत जी हुण तुसीं दर्शन करोगे उस पवित्र ढाब दे, जो कि गुरु महाराज जिथे इशनान करिया करदे सन। अते इस स्थान ते ही गुरु महाराज जी ने जफरनामा लिखण दा मन बना लिया। अते गुरु महाराज जी ने इत्थे ही जफरनामा लिख के भाई दया सिंह अते भाई धर्म सिंह नूं औरंगजेब नूं औरंगाबाद विखे भेज दिता जी। अते इस स्थान नूं बख्शिश कीती कि जो भी इतिहास उम्मीद लैके आएगा उसकी अरदास पूरी होएगी, कदे व्यर्थी नहीं जाएगी। सो साध संगत जी, ये इत्थों दा रौचक इतिहास ते बहुत ही सोहनी गुरुद्वारा साहब की इमारत उसारी गई है। इतने बैठो, इतने बैठो, जाओ मुंह धोइए। ले ले हेलो मई भी लो, वो भी लो। हाँ जी संगत जी, इत्थे पकदा है जी प्रसादा। संगत सेवा कर रही है जी।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਨੂ ਲਓ ਚਮਚਾ। ਹੋ ਜੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪਾਪਾ 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 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨੂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਜੀ ਰਮਨੀਤ? ਕੀ ਪੀਨਾ? ਚਾਹ ਪੀਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਹੋਰ ਪੀਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸਦਾ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ। ਸਿੰਘ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਜਗਰਾਓਂ ਏਰੀਆ ਸਾਈਡ ਮੋਗਾ ਏਰੀਆ ਸਾਈਡ ਆਓ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।